आप सबको जोहार। और आज है तारीख 29 फरवरी 2024 गुरुवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर बोकारो में 2 माह में सिर्फ 5% हुई है धान की खरीद। बोला जा रहा है कि बोकारो जिला में 33,000 हेक्टेयर पर धान की खेती होती है। औद्योगिक परिवेश के आधार पर इतने बड़े पैमाने पर खेती होना छोटी बात नहीं है। बावजूद इसके किसान खेती करते हैं, सरकार की ओर से धान की खरीद की जाती है, लेकिन खरीदारी शुरू हुए लगभग 2 माह पूरा होने के बाद भी 1.5 लाख का 5% ही खरीदारी हुई है। जिला को 2 लाख क्विंटल धान खरीदारी का लक्ष्य मिला है, लेकिन अभी तक मात्र 8,682.41 क्विंटल ही खरीदारी की गई है। 31 मार्च तक धान की खरीदारी करनी है, तो यहाँ पर 1 माह में कैसे पूरा होगा लक्ष्य? अब इसके लिए जो प्रशासन है या फिर जो विभाग है वो इसके लिए क्या कदम उठाएगी या फिर किस तरीके से क्या क्या चीजें करेंगी ताकि ये जो लक्ष्य है वो उसको पूरा किया जाए, वो तो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर झारखंड दौरे पर रहेंगे। वे यहाँ पर धनबाद में स्थित हल कारखाना का उद्घाटन करेंगे। जिला प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। गौरतलब है कि सिंदरी को सुंदरी बनाने के लिए पीएम मोदी ने 25 मई 2018 को बलियापुर हवाई अड्डा से हल यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड का शिलान्यास किया था। यह एक मिश्रित एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जिसमें NTPC, CIL, IOCL, FCIL और HFCL शामिल है। ये यूरिया और अमोनिया का निर्माण करता है। और ये भी बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड हल अगले 3 महीनों के भीतर 200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सिंदरी में एक नया नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार है। हालांकि यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वहाँ की जो आम जनता है या फिर जो गरीब लोग हैं या फिर जो बेरोजगार है, उनको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, उनकी ज़िंदगी में इससे क्या बदलाव आएंगे या फिर आएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या इससे वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है या फिर आम जीवन जो है उसमें कुछ बदलाव आएगा या फिर नहीं? इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर बोला जा रहा है कि झारखंड में बीते यहाँ पर 48 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर देखने को मिला है, यानी कि 27 फरवरी से अब तक। हालांकि 28 फरवरी को राज्य के कई जिलों में मौसम साफ भी देखने को मिला है, जहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 1 से 2 दिन अभी यहाँ पर बारिश नहीं होगी, लेकिन 2 मार्च से कई इलाकों में फिर बारिश की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर 2 बच्चों की मौत के भी जो खबर है वो सामने निकल कर आ रही है। गौरतलब है कि यहाँ पर 27 फरवरी को जो आंधी तूफान बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, और यही वजह थी कि जिसके वजह से मैं जो 28 फरवरी का जो डेली ब्रेकिंग न्यूज है वो मैं आपको यहाँ पर डिलीवर नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे यहाँ की जो बिजली व्यवस्था है आंधी तूफान और यहाँ पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश की वजह से वो बिजली व्यवस्था ठप पड़ गई थी, और उसी वजह से मैं यहाँ पर आपको ऑन टाइम यहाँ पर जो न्यूज़ है 28 फरवरी का वो मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाया था। खैर अब चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, जहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत के बाद झारखंड हाई कोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई है। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि हेमंत सोरेन अब विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। ईडी की विशेष अदालत ने पहले ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है झारखंड की राजधानी रांची से, जहाँ पर रातू थाना क्षेत्र में एक महिला सहायक शिक्षक से दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की छिनताई हुई है। घटना रातू थाना क्षेत्र के फुटकल टोली के समीप हुई, जहां पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। रांची के हेहल जामुन टोली निवासी सहायक शिक्षिका अमीना तिर्की थैले में 1 लाख रुपए लेकर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार 2 लोग आए और झपट्टा मारकर उनका थैला लेकर फरार हो गए। अब देखते हैं कि पुलिस जो है वो इसको लेकर कितना जल्दी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और यहाँ पर अपराधियों को कितना जल्दी यहाँ पर पकड़कर हवालात के पीछे डाल देगी।
तो सेम इसी तरीके की एक और खबर यहाँ पर सामने निकल कर आई है, लेकिन वो रांची से नहीं अब धनबाद से है। तो बोला यह जा रहा है कि धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र में बुधवार यानी कि 28 फरवरी को दिन दहाड़े 3 लाख रुपए की छिनताई हुई है। बाइक सवार दो युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना दुख हरनी मंदिर के समीप की बताई जा रही है, जहाँ पर यह बोला जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर आए दो युवक एक व्यक्ति से 3 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए, और यह जो शख्स है वो बैंक ऑफ इंडिया बाटा मोड़ से पैसे निकाल कर ले जा रहा था, और इस तरीके की घटना यहाँ पर घटित हो गई है। हालांकि अब देखते हैं कि पुलिस प्रशासन इसको लेकर क्या कार्रवाई करती है। इसके अलावा यहाँ पर एक बुरी न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड में बिजली महंगी हो गई है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा बुधवार 28 फरवरी को राजधानी रांची में की। इसके मुताबिक अब झारखंड के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 35 पैसे अधिक चुकाने होंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 50 पैसे अधिक यहाँ पर भुगतान करना होगा, साथ ही फिक्स्ड चार्ज भी अब अधिक देना होगा। तो इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं कि बिजली विभाग ने ये जो कदम उठाया है ये अच्छा है या फिर बुरा, नुकसान है या फिर फायदेमंद, इसको लेकर आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राजधानी रांची पहुँच गई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ आई महामहिम का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जामताड़ा से, जहाँ पर ट्रेन की चपेट में आने से कई यात्रियों की मौत। जामताड़ा में बुधवार को विद्यासागर रेलखंड के काला झरिया के समीप ट्रेन की चपेट में आने से कई यात्रियों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि डाउन लाइन में बेंगलुरु यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी। इस बीच लाइन के किनारे डाले गए गिट्टी का डस्ट उड़ रहा था, लेकिन यहां पर डस्ट को देखकर चालक को अंदेशा हुआ कि ट्रेन में आग लग गई है और धुआं निकल रहा है, जिस कारण चालक ने ट्रेन को रोक दिया, और ट्रेन को रोकते ही कई यात्री भी उतर गए। इस दौरान वे सभी अप में जा रही EMU ट्रेन की चपेट में आ गए, और जिससे उनकी मौत हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही सिमडेगा से, जहाँ पर ADJ आशा देवी भट्ट की अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बताया जाता है कि बानो थाना क्षेत्र के तेतर टोली निवासी उर्मिला देवी अपने 10 वर्षीय भाई के साथ 1 अप्रैल 2017 की रात्रि घर में अकेली थी। इसी दौरान गाँव के एक निवासी विपिन नायक उसके घर पर पहुंचा। बातचीत के क्रम में दोनों के बीच में थोड़ी सी तूतू मैमय हो गई, और आवेश में आकर विपिन नायक ने महिला के ऊपर किरोसिन डालकर उसको आग लगा दिया। इस घटना में यहां पर उर्मिला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे बानो स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 13 गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनाई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि शिव कुमार देवड़ा को मंगलवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित जरीना टावर के पास से GST इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार किया था। उसे बुधवार को ट्रांजिट रिमांड के आधार पर जमशेदपुर कोर्ट में पेश किया गया। वित्तीय अपराध विशेष कोर्ट में यहाँ पर उसकी पेशी हुई। देवड़ा पर आरोप है कि उसने फर्जी कंपनी बनाई, फर्जी डायरेक्टर नियुक्त किए और 131 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी भी की है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही धनबाद से, जहाँ पर टुंडी की कामारडी पंचायत अंतर्गत भोंजूडी गांव में मंगलवार को राहगीर महिला पर अचानक पेड़ गिर जाने से उसकी मौत हो गई है। भोंजूडी निवासी अशोक पाल की पत्नी तुलसी पॉल, जिनकी उम्र यहां पर 40 वर्ष बताई जा रही है, उनकी मौत SNMMCH में इलाज के दौरान हुई। तनाव ना हो इसके लिए पुलिस वहां पर तैनात है। मंगलवार की शाम तुलसी देवी के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम कर रहे चिकित्सकों के अनुसार पेड़ का बड़ा हिस्सा तुलसी पाल पर गिरने से उसके सिर की जो हड्डी है वो टूट गई थी। चिकित्सकों ने मौत की वजह सिर की हड्डी टूटने को बताया है। महिला के परिजनों ने सरायढेला थाना में फर्द बयान भी दर्ज कराया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कोडरमा से, जहाँ पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की
चंपई सोरेन सरकार के बजट को ख्याली पुलाव और ठगी का दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा चंपई सरकार भी हेमंत सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है और जनता को कागजों पर विकास दिखाकर असल में सत्ताधारी कुनबे का विकास कर रही है। उन्होंने कहा है कि जिस सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट की बेमुश्किल 50% राशि खर्च की हो, उसके द्वारा बजट आवंटन में 10% की वृद्धि एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही रामगढ़ से, जहाँ पर रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी ने वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में पेश बजट को जन आकांक्षाओं व अपेक्षाओं के विपरीत बताया है। कहा है कि यह बजट गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, किसानों व श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाला नहीं है। बजट में लंबी चौड़ी यहाँ पर बातें कही गई है। योजना बजट तो बढ़ाया गया है मगर पैसा कहाँ से आएगा यह नहीं बताया गया। बजट अव्यवहारिक व निरर्थक है जिसमें जन भावना का ध्यान नहीं रखा गया है। बजट आम जनों की उम्मीद पर पानी फेरने वाला है। इस बजट से राज्य का भला नहीं होने वाला है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है लोहरदगा से, जहाँ पर लोहरदगा जिले में मंगलवार की दोपहर के बाद अचानक तेज हवा के साथ बारिश हुई और यहाँ पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। इस ओलावृष्टि से यहाँ पर खेतों में लगे फसल को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में लगी सब्जी, अरहर, इसके अलावा सरसों, गेहूं, लहसुन, प्याज, टमाटर, इसके अलावा आलू की जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। जिले के कैरो और भंडरा प्रखंड के क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि की सूचना मिली है। ओलावृष्टि से यहाँ पर खपड़े मकान और एल्बेस्टस वाले मकान को काफी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में हुई बारिश के साथ ओलावृष्टि ने यहाँ पर किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको भी एक बात समझनी चाहिए कि अगर फसलों को नुकसान हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उससे क्या है कि सब्जियों के दाम बढ़ेंगे और उससे कहीं ना कहीं आपकी जेब पर ही बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर किसानों को अगर नुकसान हुआ है तो हमें उससे क्या। तो किसान जो उपज यहाँ पर करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट में ले जाकर बेचेंगे सब्जियाँ जो वो उगाते हैं। तो अगर यहाँ पर सब्जियाँ जो हैं उसकी फसल को नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं वो हाई रेट पर बिकेंगी, तो उससे कहीं ना कहीं आप ही के जेब पर बोझ पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर दुख होना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें या फिर घटना घटित हो गई हैं। किसानों का कहना है कि बैंक से लोन लेकर खेती किए थे, ओलावृष्टि से यहाँ पर फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। तो किसानों का नुकसान तो हुआ ही हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम जनता का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पर जो मार्केट में जो सब्जियाँ यहाँ पर कम आने वाली हैं तो उससे यहाँ पर प्राइसेस बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आम जनता है वो उसको ज़्यादा कीमत देकर यहाँ पर सब्जियाँ खरीदनी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं आम जनता को जो जेब है वो ढीला होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 फरवरी को रांची के प्रोजेक्ट भवन में होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक का समय शाम 4 बजे निर्धारित की गई है। संभावना जताई जा रही है कि इसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल राज्य में विधानसभा सत्र जो है वो चल रहा है। झारखंड के प्रोजेक्ट भवन में यहाँ पर 29 फरवरी को यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। यह बैठक यहाँ पर विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद होगी। राज्य सरकार ने यहाँ पर साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया था जिसमें आम लोगों के लिए कई वायदे किए गए थे। संभावना जताई जा रही है कि इनमें से कई प्रस्तावों पर मुहर जो है वो लग सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा ने कहा है कि झारखंड का गठन जिस उद्देश्य से हुआ वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। झारखंडियों को जो हक मिलना चाहिए उससे यहाँ पर उन्हें वंचित किया जा रहा है। सत्ता में बैठे लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो गीता कोड़ा है उनसे भी एक बार पूछ लेना चाहिए कि वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व उनके पति मधु कोड़ा के नाम पर काफी लोगों ने यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकी है, लेकिन अब समय उन्हें यहाँ पर इसकी इजाजत नहीं देगा। उनकी दुकान अब यहाँ पर बंद हो चुकी है, इस तरीके की यहाँ पर उन्होंने बातें भी कही है। और उन्होंने ये भी बोला है कि यहाँ पर झारखंड के विकास की एकमात्र उम्मीद उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही यहाँ पर दिखाई देती है, उनके नेतृत्व में ही दिखाई देती है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। बाकी उनके इस विचार पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो कि उन्होंने जो बातें बोली है वो सही भी है या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर गड़बड़ घोटाला है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना।
इसके अलावा अगली न्यूज़ और देखा जाए तो आज के सबसे बड़ी न्यूज़ और एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आदिवासियों से गाली गलौज करने के मामले में सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत को सदर थाना प्रभारी के पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। हालांकि इनको पूरी तरीके से बर्खास्त कर देना चाहिए था, वो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि जिस इंसान में इंसानियत नहीं है उसको इस तरीके की यहाँ पर जिम्मेदारी देनी ही नहीं चाहिए। इससे संबंधित आदेश मंगलवार को SSP ने जारी कर दिया है। लक्ष्मीकांत के खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई भी शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सजा सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व जमीन विवाद के एक मामले में अपनी शिकायत लेकर आदिवासी समुदाय के पुरुष और महिलाएं थाना पहुंची थीं और यहां पर सदर थाना प्रभारी ने थाना गेट के बाहर ही जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए इन लोगों को गाली गलौज करते हुए भगा दिया था, जिसका वीडियो जो है वो आप यूट्यूब पर या फिर ट्विटर वगैरह पर देख भी सकते हो कि किस तरीके से इस थाना प्रभारी ने यहाँ पर अपनी सीमा लांघ कर यहाँ पर आदिवासियों के साथ बर्बरता की, के साथ यहां पर गाली गलौज की और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। सदर थाना प्रभारी ने थाना गेट के बाहर ही जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए यहां पर इन लोगों को गाली गलौज करते हुए भगा दिया था और जिसका वीडियो भी एकदम जबरदस्त वायरल भी हो गया है और होना भी चाहिए। मामले की जानकारी मिलने के बाद सोमवार को मांडर विधायक ने विधानसभा में इस मामले को उठाकर यहां पर सरकार से संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP ने सदर DSP से पूरे प्रकरण में यहां पर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। प्रारंभिक यहां पर जांच के दौरान पाया गया कि थाना प्रभारी ने इस आचरण से पुलिस की छवि धूमिल की है। उनका यह आचरण पुलिस के व्यवहार के खिलाफ है और जांच रिपोर्ट के आधार पर SSP द्वारा कार्रवाई की गई। हालांकि राज्य सरकार और प्रशासन के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, ताकि इन जो यहाँ पर जनता के सेवक हैं उनको थोड़ा सा अकल आए कि वो जनता के सेवक हैं, ना कि यहाँ पर कोई राजा है या फिर कोई बहुत बड़े 30 मार्खा है कि किसी को भी गाली दे देंगे, जो मुँह में आएगा बक देंगे और किसी के भी मान सम्मान को ठेस पहुँचा देंगे। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।